क्लास सिक्स हिंदी चैप्टर सिक्स न्याय कहानी वर्कबुक क्वेश्चन आंसर विकास हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर सेकंड चैप्टर सिक्स। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने एक बॉक्स है उसमें लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है इराक की राजधानी का नाम बताइए, तो इराक की राजधानी का नाम है बगदाद, दूसरी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था तहखाना, तहखाना होता था जहाँ पर पुराने समय में सामान रखा जाता था। तीसरा है किसी चीज़ को ढककर उसको मुहर बंद करना, मुहर बंद करना यानी सील करना। चौथा है पैगंबर का उत्तराधिकारी यानी खलीफा। इनमें से किस शब्द का अर्थ है कहानी होता है, तो किस्सा, कि किस्सा सुनाता है, कहानी सुनाता हूँ। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। एक दिन वाजिब के घर दावत थी, उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। आगे है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि वह अकेला था। दूसरा है वाजिब ने तरह तरह के पकवान बनाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी, का ऑप्शन सही हो जाएगा। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। आगे है चौथा ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था, ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा, तो उत्तर है अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर के तहखाने में रखा। दूसरा है वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था, तो दूसरा कि वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए। तीसरा है वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला, तो वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी है, उसे शक हुआ था कि तेल में कुछ और भी है। चौथा है लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी, लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत जाने की सलाह दी कि तुम काजी की अदालत में जाओ तो तुम्हें न्याय मिलेगा, तो ऐसा लोगों ने ख्वाजा को सलाह दी थी। पांचवा है शहर में भेष बदल कर घूमने लगा खलीफा ने क्या देखा, शहर में भेष बदल कर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। छठा खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुआ, तो खलीफा हसन से प्रभावित हुआ क्योंकि उसको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही लगा। सातवां है अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था, तो अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। आठवां लोगों ने हसन की तारीफ क्यों की, तो लोगों ने हसन की तारीफ की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का फैसला किया था। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो उसमें पहला प्रश्न है अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई होंगी, तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई ना पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छिपाई होंगी। दूसरा मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए, तो मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीसरा है वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते, तो वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात ना करता, अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता।
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। 6 है उसमें पहला है, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे हैं। तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। दूसरा प्रश्न है कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौट कर अपना घड़ा देखा तो उसने मोहरे नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीसरा प्रश्न है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। चौथा प्रश्न है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया। तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सुनकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल चुन निकाल कर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकाल कर उसे घड़े में रखी मोहरे ज़रूर मिली होंगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। पांचवा है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वह आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान पर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। आगे है 6 क्वेश्चन कि वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता पता चल गया, तो इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई, कि उसने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उनको सजा भी सुनाई। और खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। आगे, निम्नलिखित वाक्य किसने और किससे कहे। तो पहला है, यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो ये अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा है। दूसरा है, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। तो ये वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। तीसरा है, आप काजी की अदालत में जाइए। तो ये लोगों ने अली ख्वाजा से कहा। आप इस घड़े की जांच कीजिए। तो ये हसन ने तेलियों से कहा है। आगे है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो ये अली ख्वाजा ने खलीफा से कहा है। आगे है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। अब क्रियावाचक शब्द आपको ढूंढना है। पहला है उदाहरण, राधा ने राजीव को पत्र लिखा। तो राधा ने किसको पत्र लिखा। तो पहला, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो क्रियावाचक शब्द क्या होगा, सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई, तो क्रियावाचक शब्द क्या होगा, सुनाई। रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो कुत्ते कब भौंक रहे थे, तो भौंक रहे थे ये क्या होगा, क्रियावाचक शब्द। वह पटाखे देख रहा है। तो वह क्या देख रहा है, क्वेश्चन हो गया। तो देख रहा है क्या हो गया, क्रियावाचक शब्द। वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो कौन किताब पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था वो हो गया क्रियावाचक शब्द। पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया। तो तन्मय मेरे पास से कब चला गया, ये प्रश्न हो गया। चला गया वो क्रियावाचक शब्द हो गया, क्रियावाचक।
6 से आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो पतंग कहाँ उड़ रही थी, तो उड़ रही थी हो गया क्रियावाचक शब्द। आगे कहानी पढ़िए, ये कहानी आपको दे रखी है, उसके अनुसार आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। और शीर्षक है तेनालीराम की चतुराई, तेनालीरामा जो है उसकी चतुराई। तो प्रश्न पहला है, सेवक से कौन सा अपराध हुआ। तो सेवक ने राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया। राजा ने सेवक को क्या सजा दी। राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। बाल उद्यान में क्या हो रहा था। तो बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। तेनालीरामा राधा कृष्ण देवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए, क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। 5 है, तेनालीराम बालक को कौन सी सज़ा दिलाना चाहते थे। तो तेनालीराम बालक को यह सज़ा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। आगे है, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए। तो न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। 7 है, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया। तो राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। अब आगे है, चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और शीर्षक लिखना है आपको। यहाँ पे कहानी चित्र दे रखा है, तो शीर्षक यहाँ पे होगा शेर और चूहा, उसकी कहानी लिखनी है। तो एक दिन जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। शेर जहाँ सो गया था उसके पास एक क्या था, बिल था। तो उसमें कौन रहता था, चूहा रहता था। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। तो शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था, उसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। शेर ने अपने पंजे में चूहे को पकड़ लिया। तो चूहा क्या रोने लगा। तो रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारी मदद करूँगा। यानी मुझे छोड़ दो तो किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। तो जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उसने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। ये कहानी हो गया। प्रवृत्तियाँ हैं जिसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको करने हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि गुजरात का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। और 5वां है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में है।